आइए आज 2 मई को स्मरण करते हैं राम भक्त राजनेता व साहित्यकार आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी को। 2 मई 1929 को कोलकाता में पंडित गांगेय नरोत्तम शास्त्री तथा रूपेश्वरी देवी के घर में जन्मे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री साहित्य, संस्कृति और राजनीति के अद्भुत समन्वयक थे। मूलतः इनका परिवार जम्मू का था। केवल भारत ही नहीं तो संपूर्ण विश्व में हिंदी के श्रेष्ठ विद्वान के नाते वे प्रसिद्ध थे। अपने भाषण में उचित समय और उचित स्थान पर प्रसिद्ध कवियों की कविताओं के अंश उद्धृत करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। विष्णुकांत जी की शिक्षा कोलकाता के सारस्वत विद्यालय, प्रेसिडेंस कॉलेज और फिर कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने अपने छात्र जीवन की सभी परीक्षाएं सदा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1944 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए तो फिर सदा के लिए उनसे जुड़ गए। तत्कालीन सर संघ चालक श्री गुरु जी तथा भारतीय जनसंघ के संस्थापक महामंत्री श्री दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से वे अत्यधिक प्रभावित थे। 26 जनवरी 1953 को उनका विवाह इंदिरा देवी से हुआ। इसी वर्ष वे कोलकाता विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हो गए। तुलसीदास जी तथा हिंदी के भक्तिकालीन काव्य में उनकी विशेष रुचि थी। यहाँ उनकी साहित्य साधना को बहुविध आयाम मिले। उन्होंने काव्य, निबंध, आलोचना, संस्मरण, यात्रा, वृतांत आदि विविध क्षेत्रों में प्रचुर साहित्य की रचना की। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती के साथ आचार्य जी ने मोर्चे पर जाकर समाचार संकलित किए। बाद में वे धर्मयुग में प्रकाशित भी हुए, जिन्हें देश विदेश में अत्यधिक प्रशंसा मिली। उनकी अन्य सभी पुस्तकें भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। आचार्य जी को जो दायित्व दिया गया वे उससे कभी पीछे नहीं हटे। वे इसे राम जी की कृपा मानकर काम में लग जाते थे। 1977 में वे विधायक निर्वाचित हुए। आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। वहां अपनी विद्वत्ता और भाषण शैली से वे अत्यधिक लोकप्रिय हुए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के प्रति अनुराग उनकी जीवनचर्या में सदा प्रकट होता था। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें पहले हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उत्तर प्रदेश के राजभवन में पूरी तरह अंग्रेजी छाई थी। शास्त्री जी ने कमरों का नाम बदलकर नील कुसुम, अमलतास, तृप्ति, प्रज्ञा, अन्नपूर्णा जैसे शुद्ध साहित्यिक तथा भारतीयता की सुगंध से परिपूर्ण नाम रखे। जब केंद्र में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उन्हें बहुत अपमानजनक ढंग से राज्यपाल पद से हटा दिया गया। इस पर भी वे स्थित प्रज्ञ की भांति शांत और निश्चल रहे। वे सदा मुस्कुराते हुए कोलकाता की प्राय सभी साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। गीता, भागवत, मानस, पुराणों आदि का उनका अध्ययन बहुत व्यापक था। 18 अप्रैल को वे श्री राम नवमी वाले दिन पटना में गीता जी पर व्याख्यान देने जा रहे थे, पर 17 अप्रैल 2005 को रेल में ही हुए भीषण हृदयाघात से उनका देहांत हो गया। इस प्रकार राम भक्त आचार्य विष्णुकांत शास्त्री श्री राम नवमी की पूर्व संध्या पर ही श्री राम के चरणों में लीन हो गए। भारत माता की जय।